इनसे बात करने के लिए। दीदी एक सेकंड, अब आप बताइए आपको। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जब से इंडिया आई हूँ यहाँ पर लोगों को देखती हूँ, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से थूकते हैं, मतलब कोई सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ ये दारू की बॉटलें, देखो ये मैं बॉटलें, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज करने आती हूँ और लोग इतनी गंदगी डालते हैं, लोगों को ना तो सिर्फ बातें बातें बातें, ना तो कोई सिविक सेंस है, ना किसी तरह की सोच है, ना कोई पढ़ाई है। मेरे को सोच करके ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गई हूँ यार, मैं कहाँ पे आती हूँ। मेरा देश है, मुझे इतना प्यार है, मैंने 52 साल तक यहाँ इतनी मेहनत की है, और देखती हूँ जहाँ देखती हूँ सिर्फ गप्पे, हा हा ही, किसी को सोचने की फुर्सत ही नहीं है, पढ़ने की फुर्सत ही नहीं है। सफाई तो ठीक है, मैं आती हूँ मुझे गंदा लगता है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जहाँ भी जाऊँगी कोई भी पब्लिक प्लेस पे 5 मिनट अपना जरूर दूंगी, लोगों को ये बताऊंगी कि यार ये भी एक काम होता है, ये भी हमारा ही काम है, गंदगी डालना हमारा काम नहीं है, उसको साफ करना भी हमारा ही काम है। हम विदेशों के कपड़े तो पहन लिए, विश्व की भाषा समझ ली, जाते हो वो लोग अपने देश को कितना सुंदर बना के रखते हैं, एक बार जाके तो देखो आप, हर जगह फूल उगाएंगे, हर जगह खूबसूरत बनाएंगे। हमने बड़े बड़े मोबाइल तो ले लिए, कपड़े उनके पहन लिए, भाषाएं हम उनके पहनते हैं, पर हमने करा क्या हमारे देश के लिए? ये तो मेरे को कोई बताए कि हमने कौन सी अच्छी बात कर दी अपने देश के लिए। सॉरी मेरे को पता नहीं है, मेरे को पर बहुत दिल से मैं जब आई हूँ बहुत